हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग कर्म विपाक संहिता से एक स्टोरी लेंगे एंड देखेंगे हम उसको आज के डेट में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। आज का वीडियो में हम लोग कर्म विपाक संहिता से स्वाति नक्षत्र का जो फोर्थ पदा है उसके रिलेटेड लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा कमेंट था जिसको मैं सोचा आज के वीडियो में हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कमेंट्स था कर्म विपाक संहिता का जो स्टोरी के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए 27 नक्षत्र से एंड ईच नक्षत्र का फोर्थ फोर पदा से, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 108। तो इन कर्म विपाक संहिता वी आर हैविंग 108 स्टोरीज। तो एक कमेंट था, तो दुनिया में जितने भी नेटिव्स हैं अगर उनको 108 हाफ में डिवाइड कर दोगे तो ईच ग्रुप हैज सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसका आंसर है नो। व्हाई? देखिए, कर्म विपाक संहिता में लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को जो स्टोरीज बता रहे हैं तो वो स्टोरीज के थ्रू वो एक हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नक्षत्र पदा का नेचर इस तरह का होने वाला है। ठीक है, तो आप मान लीजिए जैसे कि आज का डिस्कशन है स्वाति नक्षत्र का फोर्थ पदा, वो तुला राशि में आता है। तो मान लीजिए एरिस एसेंडेंट के लिए इट इज इन द सेवेंथ हाउस, टॉरस के लिए ये सिक्स्थ हाउस का एक्सपीरियंस है, जेमिनी के लिए फिफ्थ हाउस का एक्सपीरियंस है। अगेन आप देखिए, ये नक्षत्र पदा D9 में अगर हम देखेंगे इट इज गोइंग टू पाइसिस नवांस। ठीक है, तो मान लीजिए D9 में अगर किसी का एरिस एसेंडेंट है देन इट इज इन दी ट्वेल्थ हाउस। तो आप कैसे बोल सकोगे कि एवरी नेटिव हैज सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? तो जैसे कि सबके साथ एक जैसा होने वाला है, तो उसका आंसर है नो। आप देखिए, पहले टाइम में गुरुकुल में नॉर्मल नॉर्मली स्टोरिया बताया जाता था, क्योंकि स्टोरी के थ्रू वो जो उनको मोरल बताना चाहिए उसको वो पॉइंट आउट करते थे, स्टोरी के थ्रू वो पॉइंट आउट करते थे। तो हमको यहां पर क्या करना है, लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को जो स्टोरी बताए हैं उससे हम जो मोरल है उसका, वो स्टोरी का मोरल जो है उसको लेने की कोशिश करना चाहिए। हम अगर मान लीजिए स्टोरी का जो वर्ड्स है उसको पकड़ के चलें देन दैट इज नॉट द राइट वे। वी नीड टू फाइंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। उसको वन लाइन में हमको डिफाइन करना है कि लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये नक्षत्र पदा का जो एक्सपीरियंस है या हम बोल सकते हैं टेंडेंसी या नेचर जो है इस तरह का है, हम वो चीज को वहां से लेना चाहिए। सेकंड है, सेकंड जो कमेंट था वो था जो ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट था जहां पर वो मेंशन किए हैं कि भगवान तो एक है तो हमको द्वादश ज्योतिर्लिंग क्यों चाहिए। सही है, भगवान एक ही है, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरा। निरंजन निराकार जो महेश्वर है वो निराकार है, निरंजन है, वो एक ही है। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए, जो जोड़िए को हम 12 हाफ में डिवाइड किए हैं जिसको हम राशि बोलते हैं। ठीक है, एंड आप देखोगे ईच राशि का एनर्जी अलग अलग है, तो वी आर हैविंग 12 एनर्जी जोन्स। ज्योतिर्लिंग अगर उसको हम डिवाइड करेंगे ज्योति एंड लिंग, ज्योति का मतलब है नॉलेज एंड लिंग का मतलब है पिलर। तो ज्योतिर्लिंग इज द पिलर ऑफ लाइट विच इज इक्विवेलेंट टू द पिलर ऑफ नॉलेज। तो जो एनर्जी फील्ड है, मान लीजिए एरीज का ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, रामेश्वर भगवान है एरीज के साथ लिंक्ड है, तो एरीज का जो एनर्जी है जहां पर सन एग्जोल्ट होता है उसका जो एनर्जी है उसको हमको अगर समझना है देन वी नीड टू वर्शिप लॉर्ड रामेश्वर।
ठीक है, तो उसी तरह आपका जो 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 साइंस है वो एनर्जी को आपको समझना है, देन यू नीड टू वर्शिप दैट पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग, बिकॉज ज्योतिर्लिंग इज ए इन्फिनाइट बॉस ऑफ नॉलेज, जहां से नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होगा, एंड हम अगर उसको वर्शिप करेंगे तो दैट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट एरिया ऑफ लाइफ, दैट साइन का जो नॉलेज हमको चाहिए, दैट ज्योतिर्लिंग विल गिव दैट नॉलेज टू अस, एंड दैट इज द मेन पर्पज ऑफ वर्शिपिंग ए ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो वीडियो है, स्वाति नक्षत्र का जो फोर्थ पदा हुआ उसके अगेंस्ट में लॉर्ड शिव जी ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताया है। तो पहले स्वाति नक्षत्र का जो फोर्थ पदा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्वाति नक्षत्र का जो फोर्थ पदा है ये है लिब्रा के साइन में, एंड उसका डिग्री है 1640 से लेके 20 डिग्री तक, 1640 टू 20, जहां पर आपका स्वाति नक्षत्र का फोर्थ पदा है। एंड आप देखोगे ये लिब्रा का साइन में है, एंड 20 डिग्री में सैटर्न इज गेटिंग एग्जॉल्टेड, जहां नेचुरल जोड़िए का जो 10th लॉर्ड है वो सैटर्न यहां पे एग्जॉल्टेड हो जाता है। एंड अगर इसका नवांश को हम देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए इसका नवांश है पाइसिस नवांश, पाइसिस इज द 12th हाउस, नेचुरल जोड़िए का 12th हाउस है, एंड इट इज गोइंग टू द पाइसिस नवांश। एंड आप देखोगे पाइसिस इज द 6th हाउस अवे फ्रॉम द साइन लिब्रा, आप तुला से मीन 6th हाउस अवे है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिव जी ने ये सब को मिला के कौन सा एक स्टोरी जो माता पार्वती को बताए हैं। तो स्टोरी ऐसे वो शुरू कर रहे हैं, हे देवी, हस्तिनापुर नामक नगर विख्यात है, जहां मनोहर जंतु अर्थात जीव बास करते हैं, इसीलिए मनोहर है, एंड वहां के सब मनुष्य विद्वान है। तो यहां ये जो स्टैंजा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हस्तिनापुर, आप देखिए हस्तिनापुर इज लिंक्ड विथ महाभारत, वो कुरु कुरु साम्राज्य का कैपिटल था हस्तिनापुर, एंड उसका जो सम्राट थे धृतराष्ट्र, उनका 100 पुत्र थे, एंड उनका जो दुर्योधन उनका सेनापति था, या हम बोल सकते हैं उत्तराधिकारी था। एंड आप देखिए वो जो सिनारियो है हस्तिनापुर का, एक राजा है एंड उनका बहुत सारे संतान है, ठीक है। एंड आप हस्तिनापुर पुर की अगर बात करेंगे वहां पर आप देखोगे भीष्म पितामह है, विदुर जी हैं, पांडव का जो वंश वहां से आए हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं जे हस्तिनापुर एक विख्यात नगरी था, एंड वहां का सब वहां पर मनोहर जंतु अर्थात जीव बास करते हैं, इसीलिए मनोहर है, एंड वहां के सब मनुष्य विद्वान है, ठीक है। अभी अगर देखेंगे लिब्रा साइन एंड पाइसिस साइन दोनों का जो लॉर्ड है, एक का है वेनस दूसरा का है जुपिटर, दोनों देवगुरु है, दार्शवाय हम समझ सकते हैं कि वो बोल रहे हैं वहां सब मनुष्य विद्वान है, ठीक है। उसका नेक्स्ट सेंटेंस में वो बोल रहे हैं उनके मध्य में धर्मात्मा ज्ञानवान एक शूद्र निवास कर रहा था, और वो अपने धर्म कर्म करके प्रतिदिन धन का खर्च किया करता था। देखिए, इट इज द 12th हाउस ऑफ नेचुरल जोड़िए, पाइसिस नवांश में जा रहा है, इट इज 12th हाउस एक्सपेंडिचर, एंड आप देखोगे दैट इज द हाउस ऑफ मोक्ष, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं एक धर्मात्मा विद्वान शूद्र था
जो कि धर्म कर्म करके प्रतिदिन अपना अपना धर्म को खर्चा करता था। वो पाइसी से जुपिटर रूल साइन है एंड मुख्य का साइन है, 12th हाउस है, एक्सपेंडिचर को शो करता है। दैट इज व्हाई ही इज राइटिंग, ही इज टेलिंग लाइक दिस, लॉर्ड शिवा इज टेलिंग लाइक दिस। उसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, उसके 60 पाप से युक्त दो पुत्र हुए। वो प्रतिदिन जीव हिंसा तथा मदिरा पान तथा वेश्या के संग में रत रहते थे। यहां पर अगर आप देखोगे, हस्तिनापुर जिनका राजा थे धृतराष्ट्र एंड उनका जो संतान थे दुर्योधन एंड दुशासन, नॉर्मली हम दोनों दुर्योधन एंड दुशासन ही फेमस है। कौरव के में अगर किसी को पूछा जाएगा तो दो 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 का नाम बोलोगे बोलेंगे, एक है दुर्योधन दूसरा है दुशासन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वो दो पुत्र की बात करते करते हैं, उनका जो लाइफ का स्टाइल है, जीव हिंसा मदिरा पान एंड वेश्या के संग में रत रहते थे, ये सब चीज वो दुर्योधन एंड दुशासन नेचर का दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं, हे देवी, जुआ के व्यवहार से ही रात्रि और दिन में क्रीड़ा करते थे। एंड यहां पे देखिए आप, दुर्योधन एंड दुशासन वो जुआ खेले थे, किसके साथ खेले थे, ना पांडवों के साथ खेले थे। दुर्योधन एंड दुशासन वो जुआ खेले थे, पांडवों के साथ खेले थे। एंड वो बोल रहे हैं, उनको निवारण करने में बहुत शूद्र भी समर्थ नहीं होता था। तो आप जो हस्तिनापुर के सभा में जो जुआ हुआ था उसके बारे में सोचिए, वहां पर दुर्योधन एंड दुशासन और पांडव जो उस टाइप का सिनारियो हुआ था, द्रौपदी को वहां पर लाया गया था, एंड ऑल दैट स्टोरी यू कैन को रिलेट। एंड वहां पर देखिए, धृतराष्ट्र इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट सिचुएशन। हाउ ब्यूटिफुली लॉर्ड शिवा एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग, ठीक है। तब वो बोलते हैं, तब देव योग से वो शूद्र प्रयाग में गया। नॉर्मली जो पहले जो लोग मरने वाले होते थे वो प्रयाग या काशी में चले जाते थे, एंड वहां 1 महीने रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हे बरारोहे, हे बरानने, वह मृत्यु लोक में विष्णु भक्ति को प्राप्त होकर वहां से श्रेष्ठ विमानों में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वो जो शूद्र था वो स्वर्ग लोक को गया। हे विशालक्षे, हे सुरेश्वरी, उसकी भार्या सुंदर नेत्र वाली विधवा हो गई और कुछ दिन तो वह वैसी रहती रही। उनकी भार्या के बारे में बता रहे हैं। फिर वो स्त्री जार कर्म में रत होकर पर पुरुषों से व्यभिचारी करती रही। ऐसा बहुत सा काल व्यतीत होने पर उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। नॉर्मली आप देखोगे लॉर्ड शिवा के स्टोरी में वो हमेशा जो स्त्री का सती के बारे में बताते हैं, बट यहां पर वो बताए नहीं है, यहां पर वो सती के बारे में बताए नहीं है, ठीक है। एंड आप अगर देखोगे उसका जो स्वामी मरने के बाद वो स्त्री उसकी वैसे ही बहुत सारा दिन जिंदा रहा और जिंदा रही, और जैसे कि वो पर पुरुषों के साथ उनका रिलेशन रहा, और काल व्यतीत होने के बाद उनका मृत्यु हो गया, उसके बारे में बताए हैं। तब यमराज के दूतों ने उसे घोर नरक में डाल दिया और 20,000 वर्षों तक नरक में वह पीड़ा को प्राप्त हुई, ठीक है। हे देवी, हे सुरेश्वरी, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वो शूद्र का मध्य देश में मनुष्योनि में जन्म हुआ। जो शूद्र स्वर्ग में था उसका पुण्य क्षीण होने के बाद वो मृत्यु लोक में मध्य देश में मनुष्योनि में जन्म हुआ। एंड वो जो वाइफ थी पास्ट लाइफ में वो उसके साथ मैरिज उसका हुआ। एंड वो बता रहे हैं जे पूर्व जन्म के प्रसंग से पत्नी पत्नी को जो उसका उसका शादी हुआ, बट उनके संतान नहीं हो रहे थे।
एंड उनका जो शूद्र का शरीर हर दिन उसका शरीर में पीड़ा रहता था एंड उसके बाद उसका शांति का वो प्रोसेस बताए हैं। तो आप देखिए हस्तिनापुर जो इनिशियली नाम लिए थे एंड जो स्टोरी इट इज क्वाइट अलाइन विथ हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन एंड दुशासन एंड क्रूर जो कुरु का सभा था जहां पर जुआ खेला गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंगली कोरिलेट किए हैं। ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हम एक चीज को एम्फासिस कर सकते हैं, जे धृतराष्ट्र डज नॉट हैव कंट्रोल ऑफ दुर्योधन एंड दुशासन। उनका जो वे ऑफ अप्रोच था उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। तो आप देखोगे स्वाति नक्षत्र का ये पदा में अगर कोई प्लैनेट आ जाएगा तो उसके ऊपर वो नेटिव का कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर सन आ जाता है तो ईगो के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर मून आ जाता है तो इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर मार्स आ जाता है तो एंगर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर मर्क्यूरी आ जाता है देन आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन, उसका जो कहने का जो पैटर्न है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर जुपिटर जुपिटर आ जाता है उस जगह पर, जुपिटर शोस एडवाइस, तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर वेनस आ जाता है, वेनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड आप बोल सकते हो अपना जो प्लेजर सीकिंग का नेचर है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर सेटन आ जाता है, सेटन शोस योर वर्किंग कैपेबिलिटी, हार्ड वर्क, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। आप देखिए सेटन वर्क को रिप्रेजेंट करता है एंड आपका स्वाति नक्षत्र का जो फोर्थ पदा में वहां पर एग्जोल्ट होता है बिकॉज दैट पर्सन हैज द कैपेबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड अगर राहु आता है तो हमेशा वो कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा, उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, एंड आप उसका D9 का पोजीशन देखिए, इट इज द एरिया इन द लाइफ वेयर द नेटिव डज नॉट हैव कंट्रोल एंड उसके रिजल्ट में उसका लाइफ में क्या होने वाला है। देन आप D9 में पाइसिस साइन को देखिए, D9 में पाइसिस साइन मान लीजिए किसी का 10th हाउस में है तो बिकॉज ऑफ दिस इसका प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। अगर 9th हाउस में है तो गुरु के साथ प्रॉब्लम आएगा। अगर 7th हाउस में है तो स्पाउस, पार्टनरशिप, उसके साथ उस एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि आपका मार्स है तो एंगर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है एंड मार्स देखेंगे अगर D9 में पाइसिस का साइन में जाएगा एंड दैट इज इन योर 7th हाउस तो पार्टनरशिप एंड स्पाउस के साथ आपका एंगर इशू रहेगा एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स दिस इज द वे यू नीड टू कोरिलेट द स्टोरीज फ्रॉम कर्म विपाक संहिता। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।